हेलो चिल्ड्रन, आज हम लोग करने जा रहे हैं फाइन आर्ट सीबीएसई क्लास 12 की मॉडर्न ट्रेंड्स के अंडर में स्कल्पचर ट्रायम्फ ऑफ लेबर। अब जैसे कि हमेशा हम लोग करते आए हैं, चलिए पहले सिलेबस देखते हैं। तो यूनिट वन में जितना भी अंदर जो भी आपका कंटेंट है सब हम प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियोस ना देखे हो तो हमारा जो चैनल है सीबीएसई क्लास 12 ह्यूमैनिटीज़ टीचर, उसके अंडर में जाकर आप ये सारे वीडियोज़ को आप कैचअप कर सकते हैं और उनको आप सुन के आप सीख सकते हैं। और फिर से बताना चाहेंगे कि आपने अगर ये वीडियोज़ देख लिए हैं, सुन लिए हैं, समझ लिए हैं तो आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यही आपको पूरे मार्क्स दिलाने के लिए काफ़ी हैं। अब आते हैं आगे, तो यूनिट थ्री के भी जो अंडर में जो भी आता है सब कुछ कवर हो चुका है। और यूनिट थ्री के अंडर में जो सी सेक्शन है, जो कि उसमें जिसके अंडर में पेंटिंग है, मॉडर्न ट्रेंड्स के अंडर में जो पेंटिंग है वो पूरा हो चुका है, ग्राफिक प्रिंट्स पूरा हो चुका है। और अब आता है स्कल्पचर। स्कल्पचर का पहला वाला स्कल्पचर है ट्रायम्फ ऑफ लेबर, जो कि डीपी रॉय चौधरी द्वारा बनाया गया है। अब ये है जो ये जो स्कल्पचर है इसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, जिसमें दिखाई दे रहा है कि चार आदमी लोग हैं और वो लोग कुछ मेहनत का काम कर रहे हैं और ये हाथ में कुछ लकड़ी से कुछ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक पत्थर रखा हुआ है और देखिए तो इनके मसल्स अगर देखें तो कितने अच्छे इन्होंने मसल्स का उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिखाया हुआ है। ऐसा लगता है जैसे कि एक सही में कोई आगे इंसान खड़ा हुआ हो और जब वो मेहनत करेगा तो शायद इन्हीं जगहों पर उसको उसकी भी मसल्स दिखाई देंगी। तो इस तरीके से उन्होंने जो बनाया है वो एकदम एकदम रियलिस्टिक बनाया हुआ है। अब जैसे कि हम आपको हमेशा समझाते आए हैं कि जब भी आपको कोई पेंटिंग, कोई स्कल्पचर या कुछ भी इस तरह जिसके बारे में लिखने के लिए चाहे कुछ भी पूछा हो, लेकिन आप शुरुआत जो करेंगे वो इन फाइव चीज़ों के साथ ही करेंगे। तो नेम क्या है? ट्रायम्फ ऑफ लेबर। आर्टिस्ट कौन है? डीपी चौधरी। मीडियम क्या है? ब्रॉन्ज एंड सीमेंट। पीरियड क्या है? 1953। और कर्टेसी क्या है? मरीना बीच इन चेन्नई। तो अब इसी के जो आपका जितना भी सब कुछ दिया हुआ है इसी के ऊपर आपके वन मार्क का क्वेश्चन आएंगे, जो कि जहाँ तक कि आपको अभी पता होएगा कि आपका जो लेआउट है क्वेश्चन पेपर का वो बदल गया है। अब वो क्वेश्चन पेपर आपका 30 मार्क्स का आएगा और 30 मार्क्स में जो 6 मार्क्स हैं वो सिर्फ आपके वन मार्क क्वेश्चन पर आएंगे। तो जो वन मार्क क्वेश्चन हैं ज़्यादातर मूलतः वो इन्हीं सब चीज़ों पर, इन्हीं सब पाँच चीज़ों पर वो बेस्ड होंगे। तो अब वो कैसे पूछेंगे? जैसे कि पूछा उन्होंने कि मान लीजिए कि डीपी चौधरी के बनाए द्वारा कौन सा स्कल्पचर है, तो आप लिखेंगे ट्रायम्फ ऑफ लेबर। अगर ये पूछेंगे ट्रायम्फ ऑफ लेबर किसने बनाया है तो आप बोलेंगे डीपी चौधरी। या फिर आप बोलेंगे वो बता पूछेंगे ट्रायम्फ ऑफ लेबर किस मीडियम में बना हुआ है, तो ब्रॉन्ज एंड सीमेंट में बना हुआ है। या फिर डीपी चौधरी ने जो ट्रायम्फ ऑफ लेबर बनाया है वो किस मीडियम में बनाया है, तो ब्रॉन्ज एंड सीमेंट में बनाया है। ईयर भी आप याद कर लीजिए और 1953 में, और कहाँ पे वो बनाया हुआ है, तो मरीना बीच इन चेन्नई में बनाया हुआ है। या फिर इस तरीके से पूछेंगे मरीना बीच इन चेन्नई में जो स्कल्पचर है वो किसने बनाया है, तो आप बोलेंगे डीपी चौधरी ने बनाया है। या फिर पूछेंगे कि मरीना बीच इन चेन्नई में जो स्कल्पचर है उसका नाम क्या है, तो आप बोलेंगे ट्रायम्फ ऑफ लेबर ने बनाया है। तो इस तरीके से आपने अगर ये याद कर लिया तो अगर ऊपर नीचे करके जैसे भी ये क्वेश्चन पूछेंगे आपको उसका आंसर देना आ जाएगा। अब उसके डिस्क्रिप्शन में आते हैं, सब्जेक्ट मैटर क्या है इसका। द मॉन्यूमेंट शोज ह्यूमन स्पिरिट, मतलब एक जो इंसान के अंदर कुछ करने की जो इच्छा होती है, जो ताकत होती है, जो तमन्ना होती है, वो ये दिखा रहा है। कहने का मतलब है कि इंसान मुश्किल से मुश्किल काम भी कर सकता है अगर उसके अंदर की इच्छा जागृत हो। इट शोज दैट डिफिकल्ट टाइम्स कैन बी फेस्ड विद वर्किंग टुगेदर, ये भी दिखाता है कि अगर कोई भी काम हो उसको सब लोग मिलजुल कर इकट्ठा मिल के काम करें तो कोई मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान हो सकता है। फोर ह्यूमन फिगर्स हैव बीन शोन विद द डीप स्टडी ऑफ ह्यूमन फिगर शोइंग मसल्स एंड बोन स्ट्रक्चर व्हाइल दे डू देयर डेली वर्क। तो जो चार ह्यूमन फिगर्स दिखाए गए हैं वो ऐसे दिखाए गए हैं जैसे कि किसी को ह्यूमन फिगर के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो कि ह्यूमन का जो अंदर की जो एनाटॉमी होती है, मतलब अंदर कहाँ पे मसल्स, कौन सी मसल होती है, और वो और बोन स्ट्रक्चर के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हो, जब वो काम करें तो कौन सी मसल्स ज़्यादा उभरेगी, कौन सी मसल यूज़ में आएगी। ऐसा लगता है जैसे कि जो एक जो इंसान के जो शरीर है उसकी संरचना का पूरी जानकारी उनके पास में है।
अब आता है कंपोजिशन। अ कंपोजिशन क्या है कि इट इज़ सिचुएटेड इन मरीना बीच इन चेन्नई। तो कहाँ पे सिचुएटेड है? मरीना बीच इन चेन्नई में ये सिचुएटेड है। फोर लेबरर्स हु आर सेमी न्यूड आर मूविंग अ स्टोन विद अ वुडन लॉक। तो चार काम करने वाले कार्यकर्ता हैं जो कि थोड़े बहुत कपड़े पहने हुए हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कि वो किसी एक पत्थर को एक लकड़ी के पीस से, लकड़ी के टुकड़े से वो मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। They are wearing very few clothes. वो बहुत कम कपड़े पहने हुए हैं। Just having a piece of cloth around the body at the hips. उनके जो शरीर में सिर्फ अपने उनके जो hip area है उसी में, कमर में ही कोई कपड़ा उन्होंने बांधा हुआ है, उसके अलावा उन्होंने कहीं भी कोई कपड़ा नहीं पहना हुआ है। Figures have been made after the deep study of human anatomy. ऐसा लगता है कि इन figures को जो बनाया है वो बनाने से पहले जिसने भी इसको बनाया है, जो उसने उन जो ह्यूमन जो जो इंसान की जो संरचना है उसके बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी प्राप्त करी है। दे आर फाइंडिंग एक्सट्रीम डिफिकल्टी बट द लेबर सिग्निफाई द प्रोग्रेस ऑफ मैन। और ऐसा देख के लगता है कि इनको वो पत्थर उठाने में बहुत बहुत मुश्किल उठानी पड़ रही है, लेकिन यही दिखाता है कि इंसान मुश्किल से मुश्किल काम करके भी आगे बढ़ने की हिम्मत रखता है, इसीलिए इंसान इतनी प्रगति कर पाया है। द स्कल्पचर शोज अ रेयर क्वालिटी ऑफ डायनामिक मोबिलिटी। और जो स्कल्पचर है इसमें एक ऐसी इन्होंने रेयर क्वालिटी दिखाई है कि ऐसा इसको देख के लगता है, डायनामिक मोबिलिटी मतलब ऐसा देख के लगता है जैसे कि ये एकदम अभी ये काम ये कर ही रहे हैं, मतलब डायनामिक मतलब अभी ये हिल ही जाएंगे, जैसे अभी अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि सच्ची में जैसे कि पत्थर उठ ही जाएगा। मतलब ये जो स्कल्पचर है वो ऐसा लगता है जैसे कि ये चल जाएगा, ये चलता फिरता सच्चे इंसान का इतना इन्होंने अच्छा से इन्होंने इंसान का जो रूप है इसमें इन्होंने प्रस्तुत किया है कि ऐसा लगता है इसमें मूवमेंट का एहसास होता है, इसमें ऐसा लगता है कि इनकी बॉडी अभी मूव कर ही जाएगी। तो इस तरीके से ये जो मॉडर्न पेंटिंग का जो जो मॉडर्न ट्रेंड्स ऑफ पेंटिंग है उसके अंदर जो स्कल्पचर का जो ट्रायम्फ ऑफ लेबर है वो ख़त्म होता है। ट्रायम्फ ऑफ लेबर मतलब ट्रायम्फ मतलब होता है खुशी या फिर जीत, तो जो मेहनत की जीत, इसका इसका क्या है, मेहनत की जीत। तो इसी इस तरीके से भी हम लोग का ये जो ट्रायम्फ ऑफ लेबर का एक्सप्लेनेशन है ये ख़त्म होता है। अगर आप अभी हमारे साथ जुड़े हैं तो CBSE क्लास 12 टीचर ह्यूमैनिटीज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इसमें जो फाइन आर्ट्स के तो सारा पूरा का पूरा कंटेंट है ही, इसके अलावा आप सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश के भी आप जो वीडियोस आप देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ आपको स्पेशल चाहिए हो, जो आपको लगता है कि मिस हो रहा है और आपको चाहिए है, तो आप उसकी भी हमको रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। इसी तरीके से आप मेरे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और रिकमेंड करिए। थैंक यू सो मच। या फाइन आर्ट्स में जितने भी चैप्टर्स ख़त्म कर चुके हैं उन सब का यही है कि अगर आप ये हमारा जो वीडियो है, प्रेजेंटेशन है, इसको आप ध्यान से सुन रहे हैं तो आपको ये ऐसे ही हमने ये पॉइंट्स बनाए हैं, ऐसे नोट्स बनाए हैं कि आपको किताब भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। किताब कुंडलिनी पावर लिखा हुआ है, यहाँ पे तांत्रिक लिखा हुआ है, यहाँ पे स्यूडो लिखा हुआ है, और ऐसे ही जगह जगह कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, और अगर आप एनलार्ज करेंगे तो कहीं पे आपको बर्ड भी दिखाई देगी, और ये इस तरीके से एक सरपेंट की तरह बनाने की कोशिश करिए।